हाय एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी टू ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ग्रुप डिस्कशन, जो नॉलेज एंड करिकुलम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत बार एग्जाम में 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है। सो चलिए डिस्कस करते हैं ग्रुप डिस्कशन का क्या मतलब है। सो ग्रुप डिस्कशन, जैसे कि नेम से क्लियर है कि जब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बैठते हैं किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, उसके सही गलत पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सामने लाया जाता है तो और एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, तो उसको एक ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। सो ग्रुप डिस्कशन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम में। सो ये किसी भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, या कोई भी एक जो है कोई भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो जहाँ पर कि किसी भी कंक्लूजन पर हमें पहुँचना है, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर बहस करनी है और उस पर विचार विमर्श करना है और फिर किसी कंक्लूजन पर, नतीजे पे पहुँचना है, तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। सो इन अ लार्ज इन अ ग्रुप मैनी माइंड्स आर इन्वॉल्व। जब कोई एक ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं और काफ़ी वेल क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी भी मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, उनका विचार क्या है, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे की बातों को लेकर के बहस होती है, विचार विमर्श होता है, सही गलत पर चर्चा होती है, तो एक जो है फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो बहुत से लोगों के माइंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक अकेला पर्सन जो है इतना ज़्यादा कुछ ब्रॉडली नहीं सोच सकता एज़ कम्पेयर टू जब बहुत से लोग सोचते हैं, ठीक है, सभी एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो बहुत से लोगों के अलग अलग माइंड्स जो हैं, अलग अलग दिमाग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो व्हेन दे ऑल थिंक एंड डिस्कस श्योरली मे गुड थिंग्स की मे कम आउट विच विल मेक सेंस एंड दैट टू इज ट्राइज आर बिकॉज इट इज़ द आउटकम ऑफ सो मैनी पर्सन, ठीक है। अब जब भी कोई डिस्कशन होगी, जब भी बहुत सारे लोग आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सही गलत पर चर्चा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बहुत अच्छी चीज़ें, बेस्ट चीज़ें जो होती हैं, गुड चीज़ें, वो निकल के आती हैं, ठीक है। और वो क्यों निकल के आती है, क्योंकि मेनी पर्सन आर इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोई एक बात कहेगा, दूसरा पर्सन उसकी बात को क्रॉस करेगा अगर वो गलत है। तो इसी तरह से क्या किया जाता है कि अगर कोई गलत चीज़ है तो उसको क्रॉस किया जाता है, सही चीज़ों को आगे लाया जाता है एंड फाइनली हम टू द पॉइंट कंक्लूजन पर पहुँच जाते हैं। सो इस तरह से ग्रुप डिस्कशन होता है, चाहे वो क्लासरूम हो या कहीं पर भी हम हो, तो वहाँ पर इस तरह से ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आई सेड बाय वन पर्सन इज जनरली नोट टेकन एज सीरियस, मतलब कि जब भी कोई एक पर्सन किसी चीज़ के बारे में बात कहता है तो उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, एज इज द वन विच इज सेट बाय टू, ठीक है। और बजाय इसके कोई बात जो दो या दो से ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो उस पर तो हम विश्वास करते हैं, पर एक पर्सन की अकेले की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तो सिमिलरली वट एवर इज सेट बाय मैनी, ठीक है, जब बहुत से लोग बोलते हैं, ग्रुप शोज दैट इट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ देम एंड सो अदर गिव प्रेफरेंसेस ऑफ इट, ठीक है, कि कोई अकल मतलब अकेला बंदा कोई बात बोल रहा है तो उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं, बट जब बहुत से लोग आपस में मतलब एक ग्रुप में आते हैं और एक बात कहते हैं तो हम लोग उनकी बात पर विश्वास करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन होती है, जहाँ पर ग्रुप की बात होती है तो वहाँ पर हम उन्हें प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। सो द टीचर माइंड इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल माइंड, तो टीचर का माइंड कोई एक सिंगल माइंड नहीं है, उस वो बहुत एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, ये क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी, ये कोई एक सिंगल माइंड नहीं होता। टीचर्स बहुत सी चीज़ें एक ही बारे में सोचता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर सोचता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है टीचर के अंदर, तो टीचर हर चीज़ के बारे में सोचता है, बच्चों की मतलब बच्चों को क्या चाहिए, किस तरह से बच्चे को टीच करेंगे, क्या मैथड सुटेबल रहेगा, हर चीज़ के बारे में टीचर हमेशा सोचता रहता है। तो टीचर का जो माइंड है वो चारों तरफ से मतलब चलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ टीचर सोचता रहता है, ठीक है। सो वर्क बींग डन इन अ ग्रुप एंड स्पेशली अ ग्रुप ऑफ पर्सन सिटिंग टुगेदर थिंकिंग स्पीकिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यू लिसनिंग, ठीक है। जब एक ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं तो ग्रुप में बहुत से लोगों को बिठाया जाता है, वो आपस में एक साथ बैठते हैं, सिटिंग टुगेदर, सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और फिर दोबारा से बोलते हैं जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, ठीक है ना, मतलब किसी की बात सुनी, उस पर आपका कोई नया विचार आया तो आप दोबारा से उस चीज़ के ऊपर बोलते हैं, दोबारा से आप लिसन दोबारा से स्पीक करते हो, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन, जो प्रोसेस ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, इज़ वन एंड द अल्टीमेट रिजल्ट
एंड इट इज़ जनरली वेरी गुड. ठीक है, सो ग्रुप डिस्कशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि बहुत से मुद्दों पर चर्चाएं की जाती है और अल्टीमेट जो एक रिजल्ट होता है उस पर पहुंचा जाता है. हेयर ग्रुप डिस्कशन नॉट मीन बाय पर्सन्स सिटिंग टुगेदर, कि ग्रुप डिस्कशन का ये मतलब नहीं है सिर्फ लोग आपस में बैठ गए हैं. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है. रादर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूलिंग इट इज़ कंसर्न विद एजुकेशन एंड मोर ओवर अंडर द गाइडेंस ऑफ सम वन द टीचर. ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ साथ में बैठ गए हैं इससे नहीं होता है. आप साथ में बैठ रहे हैं, आपको कोई समस्या दी गई है, प्रॉब्लम दी गई है, और उस प्रॉब्लम पर सभी बच्चों को विचार विमर्श करना है, अपने अपनी राय प्रकट करनी है और सही गलत का फैसला करना है और एक जो फाइनल कंक्लूजन होता है उस पर बैठना है. और ये सब कुछ जितनी भी प्रक्रिया है ये टीचर की निगरानी में की जाती है. तो टीचर जो है वो हेड होता है, वो गाइड करता है बच्चों को कि आपको क्या टॉपिक लेना है, किस तरह से आपको कौन किसके पक्ष में बोलेगा, कौन विपक्ष में बोलेगा, इस तरह से पूरे जो है टीचर को प्लानिंग करनी पड़ती है. सो इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर. तो टीचर जो है वो टॉपिक देगा बच्चों को एंड द ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो विद बाय द टीचर. तो जो ऑब्जेक्टिव है इसका कि किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी टीचर ही डिसाइड करेगा. सो ग्रुप डिस्कशन इज ये क्या है, ग्रुप डिस्कशन का क्या मतलब हुआ कि डिस्कशन ऑन सम टॉपिक असाइन बाय द टीचर विद सम पर्पस फिक्स्ड बाय द टीचर. तो जो पर्पस टीचर ने फिक्स कर दिया है उस पर्पस को लेकर के क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा. ठीक है, अब पर्पस देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य होता है ग्रुप डिस्कशन करने का. सो द पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन कैन बी मेनी, डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ द लेवल ऑफ द पर्सन फॉर्मिंग द ग्रुप, कि बच्चों का क्या स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, उसका पर्पस डिसाइड कर सकते हैं. सो सबसे पहला कहते हैं टीचर हैज़ टॉट समथिंग टू द क्लास, कि टीचर ने बच्चों को क्लास में कोई भी समस्या या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बताया. एंड देन ही मेक देम सिट इन 3 or 4 ग्रुप्स. तो टीचर ने कहा कि आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जब कोई भी करंट का टॉपिक ही ले लीजिए, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, अगर मान लो सेव द गर्ल चाइल्ड पर है, ठीक है, तो इन्होंने टीचर ने एक प्रॉब्लम बताई कि सेव द गर्ल चाइल्ड, कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए. ठीक है, ये सही है या गलत है इसके ऊपर आपको डिस्कशन करनी है. तो टीचर ने क्लास में 3 या 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया. सो द पर्पस ऑफ द फीचर इज दैट दे शुड डिस्कस एंड हाउ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. तो जो भी ये सोशल इशू है तो इस पर सारे बच्चे आपस में बैठेंगे, 3-4 बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाएंगे डिफरेंट, तो बच्चे अपनी अपनी राय जो है इस पर देंगे. ये कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी सामाजिक कुरीति हो सकती है, दहेज प्रथा हो सकता है, कोई भी करंट में सिचुएशन चल रही है, हर चीज़ के बारे में बच्चों को बिठाया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी. ठीक है, और अच्छे से उनका डिस्कशन करवाया जाएगा. फिर द टीचर गिव 2 or 3 टॉपिक्स ऑन विच द स्टूडेंट सिटिंग इन द ग्रुप हैव थिंक एंड डिस्कस. सो द आइडिया टू मेक द स्टूडेंट ओरिजिनल थिंकर. तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि बच्चों को जो भी है 2 या 3 टॉपिक्स दे देंगे अलग अलग ग्रुप्स को, और उनको बोलेंगे कि आप इस ग्रुप पर चर्चा कीजिए. ठीक है, और कंक्लूजन निकालिए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में. ठीक है, इससे बच्चे क्या ओरिजिनल थिंकर बनेंगे, बच्चों की जो सोचने समझने की शक्ति है वो अच्छी होगी. ठीक है, और बच्चे क्या है ओरिजिनल थिंकर बनेंगे, कि दूसरों का कॉपी नहीं करेंगे, खुद क्या सोचते हैं इस चीज़ पर विचार करेंगे, खुद की उनकी क्या सोच है. अब इसकी एडवांटेजेस क्या होगी ग्रुप डिस्कशन करने से. सो एडवांटेजेस होगी कि बच्चे जो हैं जब ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो उनके अंदर का जो फियर है और हेजिटेशन है वो दूर होगी. जब वो बच्चे दूसरे बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने बोलना सीखेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे, तो उनके अंदर का जो डर है, भय है, वो क्या होगा, काफ़ी हद तक दूर होगा, तो वो अच्छे से बोलना सीख जाएंगे. तो इसका एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट है कि इट हैज़ द स्टूडेंट्स टू बिकम ओरिजिनल थिंकर, कि अगर हम ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे तो बच्चे ओरिजिनल थिंकर बनेंगे, अपनी सोच अपने विचार को जो उनके मन में चल रहा है उसको प्रकट करने के लायक बनेंगे. उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इट कैन हेल्प द स्टूडेंट्स हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. और जो भी आपको बच्चों को सब्जेक्ट मैटर दिया गया, जो भी टॉपिक दिया गया डिस्कशन का, चाहे बुक से रिलेटेड हो या कोई भी सोशल इशू है, कल्चरल इशू है, तो बच्चे क्या करेंगे उस टॉपिक के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत डीप होगी. एंड थर्ड पॉइंट है, इट मेक द स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली सॉल्व प्रॉब्लम बाय डिस्कसिंग म्यूचुअली. तो बच्चे इंडिपेंडेंटली सोचेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, अपने अपने राय प्रकट करेंगे, अपना अपना जो है रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, और म्यूचुअली एक दूसरे के साथ परस्पर म्यूचुअली बातचीत करके ही उस कंक्लूजन पर पहुँचेंगे.
The teacher is able to have better teaching learning for the students by being in the background. So teacher की जो teaching learning है ठीक है वो भी बहुत ज़्यादा better होगी and it helps in self evaluation. बच्चों का भी self evaluation हो जाएगा कि बच्चे कहाँ तक किस चीज़ के बारे में सोचते हैं और बच्चों का कितना mind अभी तक develop हो पाया है. ठीक है develop study habit, तो बच्चे के अंदर study की habit भी develop होगी. जब वो चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा, पक्ष विपक्ष देगा, तो वो उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा और टॉपिक्स को अच्छे से डीपली समझने में भी मन लगेगा. सो डिस्कशन इज वैल्यूएबल इन दैट इज रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल टीम वर्क. तो एक बच्चे इंटेलेक्चुअल्स की तरह ठीक है बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स की तरह टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो ये एक क्या है, ये एक बहुत वैल्यूएबल जो है हमारे लिए रिसोर्स माना जाता है. देन एट्थ पॉइंट है कि इट डेवलप्स गुड हैबिट्स एज बच्चों के अंदर पेशेंस आएगा. ठीक है बच्चे दूसरों की बातें भी सुनेंगे तो बच्चे सब्र करना सीखेंगे. ठीक है कि दूसरों की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं तब जा कर के अपनी बात कह रहे हैं. कोऑर्डिनेशन आएगा बच्चों के अंदर, कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस की भावना भी बच्चों के अंदर आएगी. एंड इट डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल बच्चों का ऑब्वियस या कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगा. स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल भी बच्चों की डेवलप होगी. अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन में. तो सबसे पहला हो गया टीचर. टीचर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर ही जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, उससे इंट्रोड्यूस करवाएगा बच्चे को. सो द टीचर इज़ अ चीफ. टीचर क्या होता है, चीफ होता है, मुख्य होता है ग्रुप डिस्कशन में. इट इज़ थ्रू हिम और हर दैट द प्लानिंग एंड सेलेक्शन ऑफ द डिस्कशन इज हेल्ड. तो टीचर ही प्लानिंग करेगा किस टॉपिक पर डिस्कशन करना है, वो डिसाइड करेगा, बच्चों को बताएगा. ही एंड शी डिसाइडेड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. ठीक है एंड डिस्कशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट माइंड. तो डिस्कशन में अलग अलग बच्चों के अलग अलग दिमाग जो हैं, गर्ल्स का अलग, बॉयज का अलग, सबके अलग अलग माइंड जो हैं वो निकल के आएंगे सामने कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में. दस टीचर शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड रिगार्डिंग द डिस्कशन एंड मस्ट एक्ट एज अ गाइड व्हेन एनी स्टूडेंट फेस एन सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी. अगर बच्चे को किसी भी टॉपिक पे डिफिकल्टी हो रही है या बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा तो टीचर बच्चे की हेल्प करेगा एंड एक गाइड की तरह, टीचर के एक गाइड की तरह बच्चों की हेल्प करेगा और बच्चों के अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग डेवलप करने में बच्चे की हेल्प करेंगे. एंड सेकेंड है हमारा स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप. पहला हो गया टीचर, देन स्टूडेंट्स. सो द स्टूडेंट्स फॉर्म ग्रुप. तो बच्चे जो होते हैं वो क्या ग्रुप को फॉर्म करते हैं, चार चार पांच पांच बच्चों को ग्रुप बना दिया जाता है. ईच स्टूडेंट इज़ यूनिक इन इटसेल्फ. तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसकी सोच अलग है, एवरीथिंग उसका डिफरेंट है. ठीक है सो बी इट देयर आइडिया, इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड हैबिट्स. तो हर बच्चे के आइडिया अलग हैं, विचारना अलग है, इंटरेस्ट अलग है, सोच अलग है, एबिलिटी अलग है, हैबिट्स अलग है. सो दे ऑल मे डिफरेंट. हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है. कुछ बच्चे शाय होते हैं, कुछ ओबिडियंट, पंक्चुअल, टॉकेटिव एंड मतलब हर तरीके के बच्चे एक क्लासरूम में, हर तरीके के बच्चे, हर तरह के आपको बच्चे देखने को मिल जाएंगे. कुछ शाय होते हैं, कुछ बहुत टॉकेटिव होते हैं, कुछ बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ पुअर होते हैं. हर तरीके के आपको बच्चे मिल जाएंगे और हमें हर बच्चे का सम्मान करना है, हर बच्चे को इनकरेज करना है ताकि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके विदाउट एनी हेजिटेशन. कि बिना किसी हेजिटेशन के, डर के आप अपनी बात को खुल करके सामने कह सकें, ऐसा हमें बच्चे को एनवायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए टीचर्स को. ठीक है और फिर थर्ड पॉइंट है हमारा कि डिस्कशन का टॉपिक, टॉपिक ऑफ डिस्कशन. क्योंकि स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, अब डिस्कशन किस मुद्दे पर करना है तो वो टॉपिक देखना है हमें. सो द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक शुड बी गिवन बाय द टीचर कीपिंग इन व्यू द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट. तो टीचर को बच्चों को टॉपिक देना है, बच्चों की समस्या कि किस लेवल का स्टूडेंट है. ठीक है 10th लेवल का, 12th लेवल का है, 6th लेवल का, किस स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसकी क्या उस वक्त की मैंटेलिटी है, उसको ध्यान में रख करके टीचर को उन्हीं के अकॉर्डिंग टॉपिक देना चाहिए. एंड इट शुड बी द टॉपिक ऑफ एवरी वन वॉन्ट टू शेयर देयर मतलब कि व्यूज, यह आएगा देयर व्यूज ऑन द टॉपिक. तो मतलब इस तरह का टॉपिक होना चाहिए कि हर बच्चे को टॉपिक में क्या है इंटरेस्ट हो और वो उस टॉपिक के बारे में अपना व्यू देना चाहे. ठीक है वो चाहता है, बच्चा चाहे कि वो अपना व्यू दे. सो द टॉपिक मस्ट बी फेयर. तो टॉपिक फेयर होना चाहिए. ठीक है रियल होना चाहिए एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. की जो भी सिचुएशन है उसकी जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो रियल एंड फेयर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही अजीब ही मुद्दा दे दिया बच्चों को, ठीक है जिसके बारे में बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते. ऐसे टॉपिक दो जिसके बारे में बच्चे जानते भी हों. ठीक है सो द टीचर शुड
नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑन द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो टीचर को मतलब कि टॉपिक वगैरह सब कुछ सोच समझ के ही बच्चों को सामने रखना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बिल्कुल अजीब टॉपिक रख दिया और जो बच्चे उसमें फंस कर उलझ कर रह जाएँ. ठीक है, देन बॉडी ऑफ डिस्कशन. अब डिस्कशन करने का टाइम आ गया, तो डिस्कशन करने में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं. सो द डिस्कशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव विद द यूज़ ऑफ चार्ट मॉडल्स एंड इट शुड बी सच दैट एवरी स्टूडेंट्स गेट अ फेयर चांस टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एंड कैन शेयर हिज व्यूज. तो जब हम डिस्कशन करने बैठते हैं तो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर बेंचेस वगैरह लगे हुए होने चाहिए, बच्चों के पास बोलने के लिए प्रॉपर समय होना चाहिए. ठीक है, चार्ट्स मॉडल्स ग्राफ्स की इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे डिस्कशन करने के लिए, और हर एक पर्सन को हर एक बच्चे को अपना प्रॉपर टाइम देना चाहिए कि वो अपने जो व्यूज़ हैं उसे शेयर कर सके. एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ ओन आइडिया, हर बच्चे का अपना आइडिया होता है. ठीक है, एंड द डिफरेंस इन आइडिया शुड बी रिस्पेक्टेड एंड मस्ट बी डिस्कस्ड कीपिंग इन द माइंड ऑफ देयर ओन यूनिकनेस. तो जो भी बच्चे का आइडिया है, हर बच्चे के आइडिया को सम्मान करना चाहिए और उसके आइडिया को डिस्कस करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का आइडिया अपने आप में यूनिक होता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति अलग होती है. तो हर बच्चे के आइडिया को रिस्पेक्ट कीजिए, उसे डिस्कस कीजिए. तो इस तरह से ओवरऑल ग्रुप डिस्कशन की पूरी प्रोसेस की जाती है. ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है एंड 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है बहुत बार एग्जाम्स में. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.